हेलो टेंथ क्लास, दिस इज योर चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग इंडस्ट्री दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो बेंगलुरु है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु। अब हमारे पूरे टोटल इंडिया में 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, मतलब इसकी ग्रोथ देखो, इसका डेवलपमेंट देखो। और कंट्री में जितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, दिस इंडस्ट्री इज द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। ठीक है, और आईटी इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। ये इंडस्ट्री क्या इंक्लूड करती है? टेलीविजन, टेलीफोन्स, रेडियो, कंप्यूटर्स। जो हमारा वुमेन का वर्कफोर्स है, नियर अबाउट 30% ऑफ वर्कफोर्स इसमें वुमेन है। इसकी वजह से बीपीओ सेक्टर जो है उसका उसको बहुत ग्रोथ हुआ है। और अगर हम इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, बेंगलुरु तो है ही। सो जस्ट सी, ये इसका मेजर जो है स्पार्कलिंग पॉइंट है कि मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है आईटी इंडस्ट्री। सो वी हैव रेड अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज। जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात आती है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक वन ऑफ द मेजर एनवायरनमेंटल जो इश्यूज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में उसका बहुत मेजर पार्ट है। और हर तरह का पोल्यूशन, सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, ओनली वाटर पोल्यूशन नहीं, सो एवरी काइंड ऑफ लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड इवन नॉइज पोल्यूशन, एवरीथिंग इज डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। सो लेट अस सी वन बाय वन। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो कॉज्ड बाय हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं वो एटमोसफियर में जाती हैं और हमारे एटमोसफियर को पोल्यूट करती हैं। टॉक्सिक गैसेस जो है वो लीक होती रहती हैं एट टाइम्स, वो एक बहुत बड़ा हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस है वो रीज़न। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं वो सारे रिवर्स में जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारे वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है। हमारी पूरी एक्वेटिक लाइफ को ये सबसे बड़ा थ्रेट है जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स है। थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो ड्रेनिंग ऑफ हॉट वाटर जो है फैक्ट्रीज का एंड पावर प्लांट्स का रिवर्स में, इसकी वजह से जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बियर करनी पड़ रही हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन को तो यू कैन अंडरस्टैंड, अनवांटेड साउंड्स जो हैं इंडस्ट्रियल की वो, और इनके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो अनवांटेड साउंड्स हैं दैट प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। हियरिंग इम्पेयर्ड हो रहे हैं लोग, जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सो इफ यू आर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल द 3-4 पोल्यूशंस जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ओके।